हेलो, आई एम अनिल सर, योर इंग्लिश टीचर। चैप्टर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इट इज़ अ बुक ऑफ क्लास 10th, फर्स्ट फ्लाइट। एंड यू सी दिस स्टोरी कि जैसे कि ये सॉरी देखिए, इस स्टोरी को दो पार्ट में देखा जाता है। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है कि यहाँ पर उसका पहला उड़ान। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पहले जो पार्ट में है वो एक सीगुल की कहानी दिया हुआ है। वो सीगुल क्या करता है कि अपने ये माता पिता और अपने भाइयों को उड़ते हुए देखता है, फिर भी उड़ने की कोशिश नहीं करता है। और जो वो जो ये सीगल था, सीगल ये वह अपने आप को इतने डर में रखा हुआ था कि उसके जो भाई बहन थे जिसके कि पंख उससे भी छोटे थे, फिर भी वो उड़ पा रहे थे। इसके माता पिता भी उड़कर दूर जाके अपने भोजन का इंतजाम भी कर रहे थे और इसको बार बार आवाज़ देकर चिल्ला रहे थे, लेकिन यह ऊंचे चट्टानों पर ही रहते हुए केवल यही देखता रहा कि लहरें इतने नीचे हैं, हम कैसे जाएंगे, हम अपने पंखों को कैसे फैलाएंगे, मेरे पंख छोटे छोटे हैं और गिर जाएंगे और हम भी मर जाएंगे। लेकिन ऐसा चूँकि मित्रों ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि पक्षियों के अंदर भी जो भी अपने माता पिता, देखिए यहाँ पे एक चित्र है जहाँ की जो पक्षी है वो वहीं शिला पे ही बैठी है, जबकि बाकी जो पक्षी हैं उनके जो माता पिता है और उसके जो भाई और बहन हैं वो उड़ते हुए अपने शिकार की ओर चल दिए हैं। इस स्टोरी का मेन मकसद यही है कि जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, यदि किसी काम करने के लिए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो काम हम लोग का सफल नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि चुपचाप अगर एक शेर भी अगर ये बैठा रहेगा और वो ये सोचेगा कि शिकार उसके मुंह में आएगा तो भी ऐसा नहीं है। शिकार करने के लिए उसे जानवरों के पीछे भागना ही पड़ेगा। और ये जब सीगल जब देखता है कि अब मेरा काम नहीं चलेगा, अब ये भूख प्यास से तड़प के मर जाएगा, तो इसने अब अपने आप को अब सोचा कि यहाँ मरने से अच्छा है कि हम चले ना उड़ कर गिर के ही मर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये जब पहला जब ये उड़ने की कोशिश करता है तो इसके पंख थोड़ा पहले तो इसका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में इसका साथ बहुत अच्छी तरह से दिया। और ये जो पक्षी है अपने माता पिता अपने भाई बहनों के पीछे पीछे उड़ता हुआ चल दिया। और इस तरह से यह जो स्टोरी है वो आगे बढ़ता गया। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो पक्षी है एकदम किनारे आ चुका है अब, और इसके माता पिता इसे कुछ कह रहे हैं, इसको कुछ खिला भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके माता पिता ने बोला, बेटा यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम यहीं रह के ही मर जाओगे, कृपया हम लोग के साथ उड़ने चलो, देखो अपने भाइयों को देखो, अपने बहनों को देखो, वो कैसे उड़ रही हैं। इस तरह से यह स्टोरी आगे बढ़ता है और हम इसका क्वेश्चन सर भेज चुके हैं। वो ये जब जूम ऐप से जब क्लास चलेगा तो हम आपको इसको डिफाइन कर देंगे और जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी हम मीनिंग्स आपको समझा देंगे। सो इतने समय के लिए सो थैंक यू वेरी मच।